तो एक दूसरे का डेट ऑफ बर्थ ईशान का है 8 नवंबर सही है 8 नवंबर है सही है नहीं सही है बेटा जैसे ही जा रही हूँ कौन सा आई थॉट 8 नवंबर ही है हाँ वही है So, मैं I'm surprised यार मतलब 8 नवंबर 1995 पता है यार really? हाँ okay, और पंखुड़ी का है एक सेकेंड तुम भी स्कॉर्पियो हो ना टॉरस हो मेरा तो अभी है बर्थडे ये यार कौन सा महीना चल रहा है अप्रैल का ना अप्रैल में नहीं था तुम्हारा मार्च में था एक सेकंड आ रहे हैं सब्र करो मार्च में था एक सेकंड उस दिन हम जब शूट कर रहे थे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मार्च 23 मार्च नहीं 25, 26 कहीं तो आई आंखें ब्लिंक कर दो 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31 मार्च बहुत सही। ओके एक दूसरे का फर्स्ट प्रोजेक्ट रजिया सुल्तान है किस तुम्हारा? नहीं मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था फना सीजन 2 ऑन MTV। शिट आई थिंक ईशान का फर्स्ट टीवी शो था जिंदगी मेरे घर में ना बट उसके पहले आई थिंक इन्होंने एक वेब सीरीज या उसके बाद एक वेब सीरीज है उसके पहले एक वेब सीरीज की कंपैटिबिलिटी लेवल आप देख रहे हैं सारा यहाँ इधर yes. इधर ओके 3 आइटम योर पोस्ट आर थेरी एवरीडे ऑन सेट धनतेरस नहीं आइटम नहीं वो इज अ वेरी गुड सोल बट इनका एक तो लालटेन होता है पानी की बॉटल दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स इनका फ़ोन तीसरी चीज़ ये अपना दिल लेकर आती हैं जो कि बहुत बड़ा है बस यार ओके आई थिंक ईशान वैसे डजंट बिलीव इन कैरिंग टू मैनी थिंग्स अराउंड बिकॉज इन्हें हमेशा वो रहता है बट आई थिंक ऑब्वियसली ही कैरीज हिज फोन ही कैरीज हिज हेडफोन्स मे बी और नॉट मे बी अ लिटिल बैग जिसमें कि इनका थोड़ा इम्पोर्टेंट सामान होता है जो कि आई थिंक इज वॉलेट एंड स्टफ शुड बी देयर बिकॉज दोनों नहीं चीज़ होती है बस नहीं होती वॉलेट तो आते तो तुम्हें पैसे नहीं चाहिए UPI अच्छा UPI ओके तो ठीक है तो आई थिंक ये लाते हैं अपना फ़ोन जो कपड़े के पहन कर आते हैं और ये बताऊँ क्या लाते हैं कभी कभी ये टिफिन लेकर आते हैं ये तो मुझे गारंटी है जब ये अपने आप कुक करते हैं कभी कभी ही गेट्स दोस हेल्दी स्नैक्स आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस तो वो चीज़ें लेकर आते हैं ऑलराइट एक दूसरे के फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस शाहरुख खान 5 बार सुन चुका हूँ या शाहरुख खान इनका भी शाहरुख खान है और रणबीर कपूर भी है सर और आलिया ऑल्सो नहीं मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है बट मैं या शाहरुख खान Last song your co-star was hooked on. क्या? Last song. Which was the last song? ईशान last song. मौजा ही मौजा. Because he was dancing on it. मौजा ही मौजा. अब इनका था ताल से ताल मिला. Okay एक दूसरे की height. ईशान की height है 5'11". हाँ 5'11". और तुम्हारी 5'7" 5'6" बोलो क्या बोलूँ इतनी लंबी नहीं हूँ मैं नहीं 5 पता नहीं यार मतलब 5'6" तो होगी 5'5" तो होगी 5'4" 5'3" ये अच्छी बात है एक दूसरे का हुक लाइन तकिया का ईशान का तकिया हाँ ये मैं भी एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए क्या क्या हो सकता है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या आ सकता है तकिया का नाम तो तकिया कलाम तो कोई है ही नहीं कोई तो बस you know बोलता है you know बोलता है कभी कभी जब वो इंटरव्यूज दे रहा होता है तभी you know बोलता है बाकी तो मैंने और कुछ नहीं सुना मैं बोलूँ डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है बोलूँगा बस एक ही अरे बता दो मुझे नहीं उसके लिए आते रहना ना आप लोग इंटरव्यू लेते रहना बताता रहूँगा क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ऑडियंस और फैंस के लिए प्लीज़ ऑडियंस हमारे फैंस बन जाओ और फैंस प्लीज़ हमें आप जैसे पहले सपोर्ट करते हैं वैसे अब करते रहिए। बट जेन्युइनली हम लोग मेहनत करते हैं और 12-13 घंटे शूट करना। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ कितनी मेहनत है, वो मेहनत हर करियर में हर प्रोफेशन में, बट आई गेस इधर इट्स लिटिल बिट हेक्टिक फ्रॉम एन एक्टर पर्सपेक्टिव कि। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छा शो है, हम लोगों ने आउटडोर इतना खूबसूरती से शूट किया है और you know back and front are so lovely people and they are working really hard to you know to entertain you guys and जो love story भी है और जो family bondings भी हैं उस पर detailing में काम किया जा रहा है, छोटे छोटी चीज़ों पर detailing की जा रही है। so I guess वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो notice करने वाले लोग होते हैं वो notice करेंगे और they will appreciate it also। तो please हमारे show को support करिए, गुड से मीठा इश्क, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर। Hi, this is Ishan Dhawan and this is Pankudi Awasthi and you're watching us on Filmy Beat. Thank you.